कल की पार्टी फिर से देउल परिवार के लिए लकी साबित हुई। वैसे तो ना जाने कितनी पार्टियां आगे चली गई, लेकिन कभी भी देउल परिवार पूरा नहीं दिखा। लेकिन कल की पार्टी में देउल परिवार के वो सदस्य एक साथ दिखे जो वर्षों से एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देख रहे थे। जी हां, हेमा मालिनी का सनी बॉबी संग रिश्ता कैसा है वो तो हर कोई जानता है। हेमा धर्मेंद्र की शादी को 45 साल हो चुके और इन 45 सालों में कभी भी दोनों परिवारों को एक साथ नहीं देखा गया। बॉबी देओल ने कसम खा ली थी कि वो हेमा मालिनी का कभी चेहरा नहीं देखेंगे, जब धर्मेंद्र उनकी माँ प्रकाश कौर को छोड़कर हेमा मालिनी से शादी कर उन्हें घर ले आए थे। लेकिन कल पार्टी में वही बॉबी हेमा मालिनी के बिल्कुल करीब नजर आए। हालांकि अभी एक साथ वाली फोटो सामने नहीं आई है, लेकिन इस पार्टी में हेमा और ईशा बॉबी की खुशी देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ तो खास हुआ है, जिस वजह से तीनों बहुत खुश दिखाई दिए। क्या बॉबी ने अपनी सौतेली माँ हेमा के पैर छुए? यकीनन दोनों ने बातें तो की होंगी। क्या बॉबी ने सौतेली माँ हेमा का आशीर्वाद लिया? हेमा मालिनी तो इस दिन का इंतजार कर ही रही थी जब उनके सौतेले बेटे सनी बॉबी उनसे मिलेंगे, पैर छुए और वो आशीर्वाद में उन्हें ढेर सारी दुआएं देंगी। हेमा मालिनी कई बार कह चुकी है कि उनका परिवार बहुत अच्छा है, वो ससुराल की तारीफ भी करती है। लेकिन धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर उस पल को अपनी जिंदगी से कब का निकाल चुकी है, वो एक बार भी हेमा मालिनी से मिलने की इच्छा नहीं जताती है। सोचिए जरा, हेमा प्रकाश का मिलन जब होगा तो क्या होगा? कुछ हो ना हो, लेकिन धर्मेंद्र की खुशी दोगुनी हो जाएगी। धर्मेंद्र इस दिन के लिए बरसों से तड़प रहे हैं। आखिर क्या हो रहा है देउल परिवार में? अभी अभी बॉबी और हेमा मालिनी के मिलन की बातें हुई कि अब ईशा भी अपनी सौतेली माँ प्रकाश कौर से मिलने पहुंची। जी हाँ, धर्मेंद्र हेमा की बेटी ईशा देउल हमेशा से ही फैमिली ओरिएंटेड रही है, परिवार के साथ इनकी बॉन्डिंग भी जबरदस्त नजर आती है। ईशा अपने पिता धर्मेंद्र के पहले परिवार में कम जाती है, लेकिन उन्होंने एक किस्सा बताया कि जब वो अपनी सौतेली माँ प्रकाश कौर से मिली थी। ईशा ने बताया था कि धर्मेंद्र के भाई अजीत देउल के भी बहुत ही करीब में उनसे प्यार करती है। साल 2015 में अजीत काफी बीमार हो गए थे। ईशा उनसे मिलना चाहती थी या फिर उनके बहाने अपने पहले परिवार को देखना चाहती थी। धर्मेंद्र के घर पर उनका इलाज चल रहा था, ऐसे में सनी ने ईशा की मदद की और उन्हें मिलने के लिए बुला लिया। जब ईशा अजीत को देखने के लिए धर्मेंद्र के फार्म हाउस गई तो वहाँ प्रकाश कौर भी मौजूद थी। ईशा ने कहा कि जब मैंने उन्हें देखा तो उनके पास गई और पैर छूकर आशीर्वाद लिया, फिर वो मुझे वहाँ अकेला छोड़कर वहाँ से चली गई। ये तो सब जानते हैं कि धर्मेंद्र ने साल 1980 में पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक दिए बिना ही मामाली से शादी कर ली थी और उसके बाद से दोनों परिवार अलग हो गए थे। लेकिन दोनों के बच्चे एक दूसरे को मिलाने में लाख कोशिशें कर रहे हैं और अब ईशा ने भी बताया कि वो प्रकाश कौर से मिलकर बहुत खुश हुई थी, उनके पैर भी छुए थे। आज पूरे दिन बॉबी और हेमा के मिलन की ही बातें हो रही हैं। बीती पार्टी में हेमा और बॉबी को एक साथ देखा गया। इंडस्ट्री में धर्मेंद्र को 63 साल हो चुके हैं। एक तरफ जहां हेमा और बॉबी के मिलन की बातें हो रही, तो दूसरी तरफ बॉबी अपने पिता को लेकर भी काफी ज्यादा इमोशनल रहते हैं। हाल ही में बॉबी अपने पिता धर्मेंद्र की बातें करते करते इमोशनल हो गए थे और उन्होंने कहा था, आपका बेटा होना मेरे लिए वाकई खुशनसीबी की बात है। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के लेजेंडरी एक्टर हैं। धर्मेंद्र ने अपनी फिल्मी करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्म दी है। हंसी के धर्मेंद्र की फिल्म इंडस्ट्री में 63 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर बॉबी ने पिता धर्मेंद्र के लिए इमोशनल बात कही। बॉबी ने कहा, इंडस्ट्री में 63 साल पूरे होने पर पापा आपको बहुत बधाई, आप 88 साल के और आप आज भी फिल्म में कर रहे हैं, ये वाकई बहुत ही बड़ी और शानदार बात है। पापा आपके जैसा ना कोई है ना ही कोई हो सकता। बचपन से लेकर आज तक आपने इतनी मेहनत की है, जो आग आपके अंदर है वो आज तक उतनी ही स्ट्रांग है। एक साल में आपने कई फिल्में की हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपका बेटा होने पर मैं वाकई ब्लेस्ड फील करता हूँ। एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने बताया था कि वो बिल्कुल पसंद नहीं करते कि हेमा मालिनी किसी के साथ फोटो क्लिक करवाए, यही वजह है कि उन्हें टोका करते थे जो बहस में तब्दील हो जाता था। हेमा ने भी जवाब में देरी नहीं लगाई और तुरंत धर्मेंद्र को उनके वो फोटोज याद दिला दिए और कहा कि जैसे मैं तो ऑब्जेक्शन उठा ही नहीं सकती, मैंने इन्हें तरह तरह के लोगों के साथ हर तरह के फोटो लेते पकड़ा है और फिर ये कहते सुना है कि सिर्फ फोटो के लिए हो रहा है, उसमें कुछ भी असलियत नहीं है। इसके बाद हेमा ने अपने प्यार की भी मजबूती से मोहर लगाई। जब धर्मेंद्र ने कहा, अगर हम जुदा हो गए तो मेरा क्या होगा, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए हेमा बोली, मैं कभी भी इसे किसी को तोड़ने नहीं दूंगी, कम से कम मेरी ओर से ये रिश्ता हमेशा के लिए है। इस इंटरव्यू में हेमा और धर्मेंद्र की बहस वहीं पर होने लगी। हेमा ने धर्मेंद्र के हर सवाल पर जवाब दिया। उसके बाद धर्मेंद्र भी चुप हो गए और कहा, बात जो सिखाती है, प्यार का मतलब रिस्पेक्ट खोना नहीं होता है।